गाइस ये रहा हमारा दिल्ली रेलवे स्टेशन। गाइस नमस्ते, वेलकम टू माय ब्लॉग। देखो अभी भी तो मैं एग्जाम देके आया स्कूल से, लेकिन अभी मतलब 28 तारीख तक मेरी पूरी छुट्टी है कम्प्लीटली। तो एक प्लान है, प्लान ये है कि अभी भी मैं जस्ट तैयार हूँ और जा रहा हूँ गाँव। और ये देखो भाई अंकित सुदास और रखा, उसका मन नहीं है जाऊँ क्योंकि दिवाली में वो अकेला पड़ जाएगा। और भाई यहाँ की दिवाली मेरे को अच्छी नहीं लगती ना, इसलिए मैं गाँव जा रहा हूँ। और मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है, बट मजबूरी है, वहाँ पर भी मतलब अपने लोग हैं तो मिलने जाना पड़ेगा क्योंकि साल में एक ही बार मौका मिलता है। और पापा जी भी मुझे आए हैं छोड़ने के लिए, मतलब काम से छुट्टी लेके मुझे छोड़ने के लिए आए हैं। तो गाइस अपनी बोरिया बिस्तर गटरी वटरी उठाते हैं और निकलते हैं फटाफट। आज मैं जा रहा हूँ, कल आप आ जाना ठीक है? कल मिठाइयां ले आए, कल मिलेंगे गांव में। परसों नहीं मिलेगी ना, परसों आओगे कल आओगे? शनिवार को बैठोगे? मुझे लगा मैं पैर आके गाँव में ही छूता तो यहीं पे छूना पड़ रहा है। ठीक है जा। So guys, आगे से पापा जी काम पर चले जाएंगे और हम चलेंगे अपनी मेट्रो पकड़ेंगे हुई हुई, और बाहर से मतलब चलेंगे पुराने दिल्ली रेलवे स्टेशन और बाहर से अपनी ट्रेन पकड़ेंगे और फिर गांव। ये क्या है फिलहाल फर्नीचर मार्केट आ चुका, तो पापा यहीं पर काम करते हैं फर्नीचर मार्केट में। तो अभी मेरे लिए छुट्टी लेके आए थे 10 मिनट के लिए, बाकी मुझे छोड़ दें। चलो जा रहा हूँ ना मैं। ठीक सो गाइस, पापा जी तो यार चले गए और अभी मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। पूरे सफर में भाई अकेला ही रहूँगा, कह सकते हैं सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ मैं। गाइस मैं इतना एक्साइटेड हूँ ना कि मैं आपको बता नहीं सकता भाई कि कल गाँव पहुँचेगा। भाई पूरी मस्ती करेंगे, सभी दोस्तों से मिलेंगे, ऐसा कुछ है। तो कंट्रोल, अभी अपने ट्रैवल पे ध्यान देते हैं, यात्रा पर ध्यान देते हैं और भाई चलते हैं मस्त सेफ तरीके से। रेलवे स्टेशन और भाई अभी एक लास्ट वाला काम बचा है, वो काम ये है गाइस कि अभी मुझे चलकर टिकट लेने का है क्योंकि मेरे पास टिकट्स है नहीं। तो भाई टिकट ले लेते हैं फिर मिलते हैं आपसे। एक्साइटमेंट तो भाई नेक्स्ट लेवल है हमारी। गाइस ये रहा हमारा दिल्ली रेलवे स्टेशन, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन जो कि दिल्ली में सबसे बड़ा है शायद से। और भाई ये पेड़ पौधे लगे हुए हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा स्वागतम नहीं दिख पा रहा है हमें, बट कोई नहीं, हमने पढ़ लिया और मैनेज भी कर लेंगे। तो गाइस अभी मुझे मतलब मेरी टिकट भी मिल चुकी है गाइस, ये रही। और जो मेरी ट्रेन है वो वहाँ मतलब नीचे खड़ी हुई है। ट्रेन जो मेरी है गाइस वो 6:30 बजे की है और 4:30 बजे ही मैं पहुँच गया। ये रही हमारी वाली ट्रेन जिस मतलब जिससे मुझे जाना है। और अभी ये प्लेटफॉर्म पे नहीं, इधर लगी हुई है जहाँ इसकी साफ सफाई होती है। और गाइस इस सफर में अभी मुझे भैया ने भी ज्वाइन कर लिया है, ये भैया अभी हमारे साथ ही जा रहे हैं। कहाँ तक जाओगे भैया? आजमगढ़ तक जाएंगे ये और हम अयोध्या में उतर जाएंगे। पर जो भी है, एक से भले दो सही और दो से भले पूरी ट्रेन। तो गाइस अभी तुम्हारे भाई को सीट भी मिल चुकी है और भाई मैं ट्रेन में बैठ भी चुका हूँ। 10 मिनट में हमारी ट्रेन भाई छूटने वाली है, तो एकदम मजा आ गया भाई नेक्स्ट लेवल। मतलब मुझे ऐसा लगा था कि जनरल में बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, हैवी भीड़, लेकिन इस तरफ का मतलब खाली था और मैं आके बैठ गया भाई, पूरी सीट मेरी। अब तुम्हारा भाई आराम से सुबह मस्त पहुँच जाएगा भाई, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। फिलहाल अभी इस ब्लॉग को मतलब यहीं पर स्टॉप कर देते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट गाइस, सुबह मिलते हैं आपको अयोध्या में। तुझको सुनाता दिल अगर ये बोल पाता, बाखुदा तुझको है चाहता जा। आग के दरवाजे हम खोले, ओ हम दोनों जी भर के रोले। बचा लो जी मैं हूँ इन दोतियाँ तो, मेरा कत्ल करन रूपे दिया ने जो। ओ सुन मेरी रानी रानी, ओ बन मेरी रानी रानी।
गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू अयोध्या। तो गाइज अभी हम अयोध्या तो पहुंच चुके हैं और हमारी ट्रेन भाई पूरे एक घंटा लेट है। 7:15 का टाइम था, 8:15 पे छोड़ा है। और भाई योगी बाबा आए थे कल अयोध्या में, प्रधानमंत्री जी भी आने आ रहे हैं, जिसकी वजह से भाई सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट है, तो गाड़ी मोटर नहीं चल रही, टैक्सी वगैरह। सो गाइज 23 तारीख को अयोध्या में दीपोत्सव है भाई, जिसकी वजह से भाई बहुत ज्यादा भीड़ है। और सुबह सुबह तो भाई अभी ट्रेन आई, इतनी ज्यादा क्राउड है ना, इतनी पब्लिक है भाई कि मतलब पहली बार मैं देख रहा हूँ इतनी ज्यादा भीड़ है। फिलहाल यहाँ से मेरा घर 20 किलोमीटर है, तो अभी मुझे चल के भाई बस पकड़नी पड़ेगी, मतलब बस देख लेते हैं कहाँ मिलेगी, उसके बाद भाई आराम से इजिली पहुँच जाएंगे, नहीं तो भाई जगह जगह टैक्सी बदलनी पड़ेगी और किराया भी ज़्यादा लग जाएगा। चलो तेरे तो ना हटावा मैं, तेरा इंज शरे मोड़ा खानू झुकोड़ा तेनू दिखदा ही ठा मर जावा मैं। तो गाइज अभी मैं अपने गांव के करीब करीब पहुंच गया हूं, और यहां से जो मेरा घर है वो 1 किलोमीटर है। और घर पे मतलब दादी बाबा और मम्मी को पता है कि मैं आ रहा हूं, लेकिन अनुराग को नहीं पता है। वो इसलिए नहीं पता उसे क्योंकि मैंने मना कर दिया था बताना मत, क्योंकि उसे करेंगे सरप्राइज, सरप्राइज एंड धप्पा। अभी तो स्कूल जा रखा है अनुराग, पर स्कूल से वो 2:30 बजे तक आ जाएगा, और भाई तब तक मैं घर में पहुंचूंगा और भाई कोई गोला पकड़ के आराम से खड़े रहेंगे और उसे पूरी तरह से डरा देंगे। मस्त प्लान है, तो देखते हैं फिर क्या होता है आगे। अभी तो चलते हैं भाई घर, और अभी थकान भी हो रखी है, अभी सुबह से मैंने कुछ खाया पिया भी नहीं है, थोड़ी भूख भी लग रही है, तो चलते हैं घर। तो गाइस अभी भी जस्ट मैं घर पहुंचा हूं, ये देखो ये रहा मेरा घर। तो गाइस अभी मैं मस्त घर पर पहुंच गया भाई, आराम से रिलैक्स कर लिया, खाना पीना सब कुछ हो गया, बस अब वेट है तो सिर्फ अनुराग का है कि वो जल्दी से आए और उसे धप्पा एंड सरप्राइज ना है। लेकिन बैगवा यहां है। अरे यार ना गली देखिए मम्मी तो जान दे एक बार हमारे इतना टैलेंटेड क्या है। अच्छा मेरी आवाज भी बहुत अच्छी हो गई है और मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस भी कर ली है, तो आज से ब्लॉगिंग करेंगे हम। आज के लिए इनको देते हैं छुट्टी, तब तक के लिए बाय बाय। अभी जा रहे हैं कपड़ा बदलने।